कैसे किसी लड़की के दिल में घर करें, मेक एनी गर्ल्स हार्ट होम। ऐसी लड़की पाना जो आपको पसंद करे और आपकी ओर ध्यान दे, बहुत कठिन काम है, लेकिन उसके दिल में घर करना। यदि आप ऐसी ही एक लड़की को पाना चाहते हैं जो आपको लेकर दीवानी हो, तो नीचे दी हुई सलाहों पर ध्यान दें। उसके हीरो बने, फिर भले किसी भी तरह हो, चाहे वह किसी परेशानी में हो या किसी बात को लेकर चिंता में हो, ऐसे में बस उसके साथ बैठे न रहें। इस बात को समझें कि आपके पास हर एक बात का जवाब नहीं होगा और आपको यह भी नहीं पता होगा कि उसके मन में क्या चल रहा है या वह किस परेशानी से गुजर रही है, लेकिन जैसे भी हो, उसकी परेशानी को दूर करने और उसे अच्छा महसूस कराने की कोशिश करें। उससे पूछें कि किस तरह से आप उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन मदद करने के लिए जबरदस्ती भी ना करें। वह चाहे जिस भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रही हो, आप धैर्य रखें और उसे समर्थन दें। जब आप कुछ कर सकें तो बिना किसी हिचकिचाहट के करें, लेकिन बहुत सावधानी से, जैसे कि आप भी नहीं चाहते होंगे कि उसे आपके कारण कोई दुख हो। यदि वो पहले से ही आपको पसंद करती है, तो फिर उसकी मदद करने के लिए किसी भी सीमा परे जाने से भी ना घबराएं। ऐसा कुछ करें जो उसने कभी ना सोचा हो कि आप कभी ऐसा भी करेंगे, जैसे कि उसके लिए नाश्ता बनाना और फिर बर्तन साफ करना हो। देखिए कैसे वह आप पर और भी ज्यादा फिदा हो जाती है। ऐसा करके आप उसे दर्शा रहे हैं कि आप उसकी कितनी परवाह करते हैं। यदि वह आपको अभी पसंद नहीं करती या आपको उसकी भावनाओं का अंदेशा नहीं है, तो फिर इसे जरा सावधानी से करें, शांत रहें। यदि आप इस तरह के लड़के हैं जो किसी लड़की के सामने जाते ही पसीना पसी ना हो जाते हैं, जिसके मुंह से एक शब्द भी निकल पाता हो, तो फिर जरा शांत रहें। उसे भी अपने एक फ्रेंड की ही तरह ही सोचें, जो बस जरा सा अलग है। यदि आप शांत नहीं हो पा रहे हैं, पसीना ना बहाएं। लड़कियों को अच्छा लगता है जब लड़के उनके आगे पीछे घूमते हैं और आप उसे अच्छी तरह से हंसा पाएंगे तो भी वे आपसे बहुत खुश हो जाएंगी। बहुत ज्यादा फ्रेंड जोन में ना बने रहें, उसके समय हर वक्त मौजूद रहे बिना भी एक अच्छे फ्रेंड की तरह ही बर्ताव करें। लड़कियों को ऐसे लड़के बहुत अच्छे लगते हैं जो जरा रहस्यमय से रहते हैं, तो अपनी जिंदगी में जरा रहस्य बनाने की कोशिश करें। हर बार उसका फोन ना उठाएं, आप कहाँ जा रहे हैं ये भी ना बताएं, और इसी तरह से अपनी बहुत ज्यादा जानकारी भी ना दें। ईमानदार रहें, लेकिन खुली किताब भी ना बन जाएं। ध्यान दें कि आप कैसे दिख रहे हैं, आपके अन्य दोस्त इस पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। यदि आप एक ही शर्ट को कई दिन तक पहनेंगे, लेकिन आपकी पसंद की लड़की इससे शायद कम ही प्रभावित होगी। वह आपको बार बार एक ही कपड़ों में बार बार देखकर आप में कोई दिलचस्पी नहीं लेगी। यहाँ पर तीन बहुत ही साधारण चीजें दी गई हैं जो आपकी मदद कर सकें। हर दिन नहाएं और शेव करें। यदि आप अभी शेव करने लायक नहीं हैं, तो फिर जबरदस्ती ना करें। आपको बहुत जल्दी ऐसा करना पड़ेगा। हर रोज नहाकर और शावर लेकर अच्छी तरह से महकते रहें। वही कपड़े पहनें जो आप पर फिट हों, ना आपके बड़े भाई के कपड़े हों और ना ही आपके पापा के कपड़े। बस अपने खुद के कपड़े पहने और ऐसे जो आपके आकार को अच्छे से उभारें। यह कोई मायने नहीं रखता कि आपके पास में कितने पैसे हैं। हर एक लड़के के पास एक जोड़ी अच्छे जीन्स, एकदम फिटिंग की टी शर्ट, एक अच्छी और रंगीन शर्ट और अच्छे जूते तो होने चाहिए। सही आकार में रहें। यदि हो सके तो शरीर में मौजूद अतिरिक्त चर्बी को हटाएं और अच्छे मसल्स बनाएं। ज्यादातर लड़कियों को ऐसे लड़के अच्छे लगते हैं जो अपने मसल्स को अच्छी तरह से विकसित करते हैं और अच्छे आकार में होते हैं। एक मजेदार और दिलचस्प खेल लीग की तलाश करें और उसे खेलना शुरू कर दें। इसके साथ ही आप अपनी क्षमताओं से भी अपनी उस सपनों की रानी पर अपनी छाप छोड़ सकेंगे। 4. आकर्षक दिखें। आपके अंदर किसी भी लड़की को आकर्षित करने योग्य आकर्षक गुण होने चाहिए। कुछ लोग अलग अलग तरह से आकर्षक नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अच्छे और आकर्षक तरीके दिए गए हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं। एक शिष्ट व्यक्ति बने। इसका मतलब उसके लिए दरवाजा खोलना, लंच या डिनर पर अपनी ओर से खर्च करना, अपनी बातों पर कायम रहना शामिल है। लड़कियों को इस तरह के लड़के अच्छे लगते हैं जो शिष्टाचार निभाते हैं।
थोड़ा बहुत मजाकिया बने। लड़कियों को ऐसे लड़के अच्छे लगते हैं जो किसी भी बात को मजाक में तब्दील कर सकत हैं। सभ्यता से अपना मजाक बनाना भी सीखें। बुद्धिमान बने। आप अच्छी तरह से पढ़ लिख कर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। हाल ही में उठे हुए मुद्दों के बारे में जानकारी रखें और हर चीज जानने की इच्छा मन में लेकर चलें। लड़कियों को ऐसे लड़के अच्छे लगते हैं जो स्मार्ट होने के साथ साथ संबद्ध होते हैं। 5. विश्वसनीय बने। हर एक लड़की को ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो विश्वसनीय होते हैं, भरोसे के लायक होते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उसे इसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह ऐसा होना चाहता है। विश्वसनीय होना मतलब उस लड़की को जताना कि जब वह आपके साथ हो तो उसे सुरक्षित महसूस हो। आप जिस भी ऐसे विश्वसनीय व्यक्ति को जानते हैं उसी की तरह बनने की कोशिश करें। आप जो भी बोल रहे हैं उसे जरूर करें। यदि आप कहते हैं कि मैं बात कर रहा हूं तो बात करें, चल रहा हूं तो चलें। लड़कियों को ऐसे लड़के बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते जो कुछ बोलकर उसे नहीं करते। समय के पाबंद रहें। भले ही कुछ लड़कियां खुद ही हर जगह देर से पहुंचती हों, लेकिन फिर भी उन्हें किसी लड़के के किसी जगह पर देर से पहुंचना और उसका इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। उसके लिए इसका मतलब मुझे तुम्हारी इतनी भी परवाह नहीं है कि तुम्हारे लिए समय पर आऊं। यदि आप किसी भी कारण से लेट होने वाले हैं तो उसे बता दें। अपनी अच्छी छवि बनाए रखें। एक ऐसा लड़का बने लोग जिसके आसपास रहना पसंद करते हों। क्या पता कब वो या उसका कोई फ्रेंड किसी से आपके बारे में पूछने लगे, और क्या पता कहीं उसे ऐसा कुछ सुनने को मिल जाए कि किस तरह आपने अपनी एक्स के साथ में धोखा किया, तो आपकी छवि आपके हाथ में है। तो इसे बनाना है या बिगड़ना ये भी आपके ही हाथ में है। 6. मजाकिया बनने की कोशिश करें। इस तरह से लड़की को आपके साथ बेफिक्र होने का कारण मिल सकेगा। कोई भी इंसान उस समय अच्छी प्रतिक्रिया देने और लेने के लायक होता है जब वह विचलन मुक्त होता है। यह भी अपनी महत्वता के साथ अपना ही मजाक बनाने जैसा ही होता है। इस तरह से आपको भावनात्मक रूप से जुड़ाव बना पाने में भी मदद करता है। उसे आपके साथ बिना बोर हुए अच्छा महसूस होना चाहिए। 7. बहुत ज्यादा दबाव डालने वाले ना बने। इसका मतलब जब कभी भी आप उसके पास हो तो उसे जबरदस्ती छूना, उसके साथ फ्लर्ट करना, जबकि वह इसमें दिलचस्पी भी ना ले रही हो या ना कभी ला हो करना है, यह आपकी छवि को जबरदस्ती दबाव बनाने वाले व्यक्ति के रूप में दर्शाएगी। उसे खुद पर नियंत्रण रहने रखने दें, फिर भले ही यह सिर्फ उसकी कल्पना ही क्यों ना हो। जैसे कि जब कोई लड़की आपके साथ बाहर ना जाना चाहती हो या फिर सेक्स ना करना चाहती हो तो उसके साथ ऐसा करने का दबाव डालना, यह उसे पाने का और उसके दिल में घर करने का कोई तरीका नहीं है। इसकी जगह पर उसकी भावनाओं को सुने, समझे कि वह ऐसा क्यों चाहती है और उसका सम्मान करें। इस तरह से आपने जितना सोचा होगा उससे कहीं ज्यादा मिल सकेगा। 8. वित्तीय रूप से स्वतंत्र रहें। बहुत सी लड़कियों को तब तक इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि आप कितना कमाते हैं या आपके पेरेंट्स कौन हैं, जब तक कि आप उन्हें सब कुछ दे रहे होते हैं। यह ठीक भी है क्योंकि हर एक इंसान इतना संपन्न पैदा नहीं होता। तो जब कभी भी आप उस लड़की के साथ हों तो पैसे से संबंधित इन बातों को याद रखें। लड़कियों को ऐसे लड़के अच्छे लगते हैं जो कभी कभी लुटने को भी तैयार होते हैं। इसका मतलब फिजूल खर्च करना नहीं, लेकिन उन्हें जरा खर्चीले लोग अच्छे लगते हैं। तो इतने पैसे बचा कर रखें जिन्हें आप समय पर उसके ऊपर खर्च कर सकें। कुछ लड़कियों को ऐसे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं होते जो अपने पैसे को लेकर अकड़ दिखाते हैं। तो यदि आपके पास में बहुत सारे पैसे हैं तो उसके सामने इसकी अकड़ ना दिखाएं, क्योंकि ऐसा करके आप उसे अपने से दूर कर देंगे। 9. दूसरी लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा फ्लर्ट ना करें। हो सकता है कि कोई लड़की आपको सच में पसंद करती हो, लेकिन यदि आप उसके सामने ही किसी और लड़की के साथ बात करेंगे, डांस करेंगे, तो इसका उस पर गलत असर पड़ेगा। तो हमेशा उसे जताते रहें कि आपकी सिर्फ उसमें ही दिलचस्पी है। इसी के साथ कुछ और लड़कियों को अपना दोस्त बनाएं। यदि वह आपको अन्य लड़कियों के साथ देखेगी तो उसे यह देखकर आपके साथ सहज रहने में मदद होगी
क्योंकि उसे लगेगा कि इतनी लड़कियां कैसे आपके साथ में सहज रहती हैं। यदि आप कभी भी किसी लड़की के साथ बात भी नहीं करेंगे, तो उसे लगेगा कि आपको किसी भी लड़की के साथ बात करने की तमीज नहीं है, तभी कोई लड़की आपसे बात भी नहीं करती। कभी कभी लड़कियों को भी मुकाबला करना अच्छा लगता है, बिल्कुल लड़कों की ही तरह। तो इसलिए एक दो लड़कियों के साथ दोस्ती रखना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। 10. उसकी तारीफ करें। उसकी कुछ सदियों से चली आ रही तारीफ करें। उसके हर एक काम को अच्छी तरह से करने की तारीफ ना करें, नहीं तो आप जरा से जरूरतमंद साबित होंगे। लेकिन अच्छी तरह से की गई तारीफ उसे दिन भर आपकी याद दिलाती रहेगी। ईमानदारी से उसकी तारीफ करें। गौर करें कि आपको उसकी कौन सी बात अच्छी लगती है और जो उसे सबसे अलग दर्शाती है, और फिर उसे बोल दें। यदि यह सच होगा तो खुद ब खुद आपके मुंह से बाहर निकल कर आएगा। वह खुद को जिस भी नजरिए से देखती है उसके इस नजरिए को बढ़ावा दें। यदि वह खुद को एक एथलीट समझती है तो उस की प्रतियोगिता की भावना या एथलीट की भावना को बढ़ावा दें। यदि वह खुद को एक अच्छी और विचारशील लड़की समझती है तो उसकी समझ की तारीफ करें। वह अपने बारे में चाहे जो कुछ सोचती हो उसकी इस सोच को बढ़ावा देने वाली तारीफ करें। उसके बाहरी दिखावे से ज्यादा उसके व्यक्तित्व पर ध्यान दें। और यदि आप उसके दिखावे के बारे में ही कुछ कहना चाहते हैं तो जरा संभल कर तारीफ करें और कुछ इन क्षेत्रों पर ही अपना ध्यान दें। उसकी मुस्कान, उसके बाल, उसकी आंखें, उसके होंठ, उसके कपड़े, स्टाइल, कपड़ों की दिखावट इत्यादि। 11. उसे आपको याद कर सकने का कोई कारण दें। गाना गाएं, किसी मूवी के बारे में बात करें, अपनी पसंदीदा जगह के बारे में बात करें। ऐसा कुछ भी जिसे वह कभी भी देखे तो उसे आपकी याद दिलाए। 12. अपने मर्दाना व्यवहार और संवेदनशील व्यवहार के बीच में संतुलन बनाकर रखें। लड़कियों को ऐसे लड़के अच्छे लगते हैं जो थोड़ा संवेदनशील होते हैं, लेकिन इसके बाद भी वे अपने मर्दाना व्यवहार को नहीं छोड़ते। उसके सामने इस तरह का व्यवहार करें लेकिन अभी भी अपनी मर्दांगी से जुड़े रहें। इन संकेतों से कुछ सीखें। किसी मूवी में रोना ठीक है ... यदि वह मूवी किसी खेल के बारे में हो। लड़कियों को खेल कूद इतना पसंद नहीं होता, यह उसके सामने अपनी मर्दांगी जताने का एक बेहद अच्छा तरीका है। उसके साथ समय बिताने के साथ साथ खेल कूद के साथ भी जुड़े रहें। अच्छी तरह से तैयार होना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि लड़कियों को अच्छे कपड़े पहने हुए लड़के पसंद आते हैं, लेकिन यदि लड़का लड़की से ज्यादा तैयार होगा तो यह आपके लिए ठीक नहीं होगा। 13. सबसे जरूरी बात, जबरदस्ती में सच में जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। आपको अपने रिश्ते की शुरुआत किसी कहानी से नहीं करना चाहिए। जब आप किसी अच्छे रिश्ते के बारे में सोच रहे हों तो सबसे जरूरी बात यह होती है कि आप जब भी उसके पास में हों तो बिल्कुल बेफिक्र हों और अपने असली व्यक्तित्व को उभरने दे रहे हों। अपने आप को नकली ढंग से उसकी जिंदगी में फिट बिठाने की कोशिश ना करें। आप एक लड़की के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं और ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वो लड़की आपको पसंद करती हो, ना कि एक नकली कूल लड़के को। एक ऐसा रिश्ता जिसमें आप जो हैं बस वही बनकर रह सकें, ना कि कोई ऐसा रिश्ता जिसमें आप किसी और की तरह खुद को दर्शा रहे हों। 14. लड़कियों को खुद ही नहीं पता होता कि वे असल में क्या चाहती हैं, बस आप जैसे हैं जो हैं वही रहें और सभ्य रहें। उसे वही करने दें जो वो करना चाहती है और उसके सामने ऐसे दर्शाएं कि आपको उसकी सच में परवाह है। सलाह, अच्छी तरह महकते रहें, घंटों बातें ना करते रहें, उसे भी कुछ बोलने दें। उसका कभी भी अपमान ना करें, विशेष रूप से यदि वह शर्मीली हो और फिर भले ही कोई मजाक ही हो। यदि वह चाहती है कि आप उसे किस करें और आपको यह पता भी हो सही समय पर उसे किस करें, नहीं तो वह बोर हो जाएगी और उसे लगने लगेगा कि आप सके साथ एक दोस्त से ज्यादा और कुछ बनने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, और फिर शायद किसी ऐसे के साथ आगे बढ़ जाएगी जो आपके जितना अच्छा, बुद्धिमान और आकर्षक भी न हो, लेकिन वह उसमें दिलचस्पी दिखा रहा हो। जब आप दोनों अच्छे दोस्त बन जाएं, तो वैलेंटाइन डे पर उसको अच्छे फूल या ऐसा कुछ ला कर दें जो आपकी इन भावनाओं को उसके सामने दर्शा सके।
जब तक वह सच में कुछ अलग ना लग रही हो तब तक उसकी जबरदस्ती कोई तारीफ ना करें। उसकी ओर देखें और जब आप दोनों ही शांत हो तो पूछें, आखिर तुम इतनी सारी खूबसूरती लाती कहाँ से हो। उसे समर्थन दें, उसके साथ में अच्छा वक्त बिताएं और उसे अच्छी तरह से समझ लें। मधुरता से बात करें, दया दर्शाएं, स्मार्ट रहें और किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट ना करें। किस करने से पहले उसके साथ अच्छी तरह से जान पहचान कर लें, नहीं तो आप उसे खो देंगे। चेतावनी, किसी भी लड़की को हद से ज्यादा परेशान ना करें। उसे मोटी बोलना और उसके लुक्स के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करना उसे आपसे दूर ले जा सकता है। दिन भर उससे बात ना करते रहें। उसे एक दो दिन आपसे बात करना अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद वह आपसे परेशान हो जाएगी। हर समय उसके पास जाएंगे तो उसे लगने लगेगा कि आप बेहद चिपकू इंसान हैं। कभी कभी उसे भी आपके पास आने दें। लड़कियों से कभी भी दूसरी लड़की के बारे में बातें ना करें और चुगली करने से बचें। कुछ लड़कियां ज्यादा ही शिष्टता से भी परेशान हो जाती हैं। तो आप जिस लड़की से बात कर रहे हैं उसके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करें। कुछ लड़कियां को सेक्सी और जरा से अजीब लड़के पसंद होते हैं। यदि कोई लड़की आपसे बोले कि वह आप में कोई दिलचस्पी नहीं लेती तो बिल्कुल अपने कदम पीछे हटा लें। याद रखें, नहीं का मतलब नहीं ही होता है।